आप तो मतलब बिना बोले सभी समझ गए। उसके बाद से मैंने चार मतलब 1-1.5 साल में कोई दवाई नहीं खाई है, जो मैं 5 साल से कंटिन्यू खाती आ रही थी। दरबार से जुड़ने के बाद दवा नहीं खाई। तो वो सब चीज़ें नहीं है, और वो चीज़ें होती थी मतलब जो भी आपने वो सब मतलब ऐसा होता था प्रॉपरली। खूब माँ खुश। बाबा को धन्यवाद, दरबार को धन्यवाद, भैया लोगों को सबको धन्यवाद जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। खुश रहो बेटा। गुरुदेव आप देख लीजिए एक बार। देख डाला हो तो पहले ही देख लिया, सब गंदगी गई है, कुछ बचा नहीं, सब खत्म, सारी गंदगी। और सब गंदा गंदा फील होता था, सबसे चिढ़, नफरत, दूर रहना, अकेले रहना, सबसे अलग अलग। देखो क्या क्या सर्कस था, देखो रिजल्ट आउट हो रहा ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, क्रोध, नफरत, चिढ़ होना, ब्रेन में सूजन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे, पागलपन महसूस होना, सुनकर न समझना, आर्थराइटिस था, आँखों में धुंधलापन, पीसीओडी की समस्या थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंजाइटी होना, बाइपोलर डिसऑर्डर, हत्या, आत्महत्या के विचार आना, अल्जाइमर हो गया था, कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाते थे, मृत्यु का भय बना रहता था, गंदे स्पंदन होना प्राइवेट पार्ट में, वॉल्व जो है श्रिंक हो गया था, स्वप्न दोष होते थे, कैंसर बन गया था यूट्रस में, ओवरी में, हड्डियों में और ब्रेस्ट में, अत्यधिक क्रोध आना, कामुकता बढ़ी हुई थी, MND की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में समस्या होती थी, और तलवों में शून्यपन हो गया था। गुरुदेव आपसे ज्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता ना इस बात को। आप तो मतलब बिना बोले सभी समझ गए। और मतलब थोड़ा सा ना अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला गॉल बेडर में, तो उन्होंने मुझे सर मतलब दिवाली से और अभी तक के मुझे हॉस्पिटलाइज भी कर लिया था, तो चार चार इंजेक्शंस भी दे रहे थे, तो उसके कराओ, सर्जरी कराओ, सर्जरी कराओ। मैंने कहा टाइम में 1 हफ्ते का टाइम, मैं दरबार जाऊंगी, उसके बाद आके देखूंगी। डॉक्टर साहब बेचारे बहुत दुखी और हैं। ये चित्र देखो, अपना दिखाई दे। क्रोध और चिड़चिड़ापन था, रात में झटके आते थे, हाइपर एक्टिव, रक्त कम कम बनता था, पैर में कमजोरी था, फुट ड्रॉप के कारण दौड़ने में कष्ट होते थे, फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया था, सर्वाइकल के पास ट्यूमर था, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गया था। इधर ये पढ़ लो, स्टोन के बारे में बात कर रही हो, ये पढ़ो। स्टोन नहीं है, गॉल ब्लैडर इनएक्टिव था, निष्क्रिय, इंजेक्शन से पैर कमजोर हो गया था, लाइपोमा था। इन्फेक्शन? क्या इंजेक्शन लगा? इंजेक्शन लगाया था? हाँ, जी गुरुदेव, उसी से सारा सब गड़बड़ हुआ। दो दो मतलब एक साथ ही तीन तीन लगते थे, कि मतलब जब बस मुझे सांस तक भी नहीं आता था ना दर्द की वजह से, तो वो एक साथ तीन तीन लगाते थे। अच्छा, वो इंजेक्शन लगा, इसीलिए लिखा है इंजेक्शन, जी गुरुदेव, और इसी वजह से सारा इन्फेक्शन था, जी सर, लाइपोमा था, जी समझ गए? जी गुरुदेव, हाँ, वैसे स्टोन नहीं है। 4 सालों में जितना मुझे प्रॉब्लम था ना, 1 साल में बस मैंने एक मतलब कभी जब एसिडिटी, घबराहट होती थी, तो मैं एक गैस का कैप्सूल खाती थी, उसके बाद से मैंने चार मतलब 1-1.5 साल में कोई दवाई नहीं खाई है, जो मैं 5 साल से कंटिन्यू खाती आ रही थी। दरबार से जुड़ने के बाद दवा नहीं खाई। तो वो सब चीज़ें नहीं है, और वो चीज़ें होती थी मतलब जो भी आपने वो सब मतलब ऐसा होता था प्रॉपरली, बट लेकिन ये सोचते थे कि मैं ऐसा, पर लेकिन वो मजबूर होती थी उस चीज़ के लिए, ये कहते कि ऐसे था वैसे तो, बट वो हो जाता था, मन नहीं होता था फिर भी। ऐसे चित्र बन जाए, बना हुआ, इन्फेक्शन, इंजेक्शन लगे, सारा सब सड़ गल रहा था। अब अच्छा बेटा, स्थान से जहाँ से आपको जी जी पता था, जी जी इसके जी कारण समस्याएं आई, जी चारों ओर फंस गए आप लोग, चारों ओर से जी
इसीलिए तुमको पेशी भी आती थी भयंकर। जी जी सब जी सब कोई पेशी पैसा नहीं, ये सब खत्म। बस सब आपकी कृपा से। अभी मैं 6 months पहले मां मृत्युंजय करके गई थी, तो बाबा को अर्जी लगा के गई थी कि बाबा मैं जब नेक्स्ट टाइम आई तो मेरा सब अच्छा है, किसी चीज में कोई कमी नहीं है, कि मतलब जितना है सब गंदगी की, सब गंदगी की, बच्चा ही नहीं। ना बच्चे के लिए पूछ, ना बच्चे के लिए पूछ, ना बच्चे के लिए पूछ। बच्चे का ऐसा हार्ट इसका हो रहा था, छेद हो रहा था हार्ट में इसके। जी गुरुदेव, इसके हार्ट में छेद, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती थी, और इसका वो ठीक है देख लिया उन्होंने, ये इसका चित्र है पूरा, MRI रिपोर्ट है इसकी पूरी, पढ़ लो। क्रोध और चिड़चिड़ापन था, गर्भ से ब्रेन विकसित नहीं हुआ था, क्योंकि हाइपर एक्टिव है ये, ब्रेन हाइपर एक्टिव जिसे ऑटिज्म बोलते हैं। जी जी। वो वाला इनको समस्या इनकी सबसे बड़ी, और पैर कमजोर रहना जी। इस बच्चे के लीवर इसका जो है वो शिथिल हो रहा था, सुन के बात को ठीक से समझता नहीं, नहीं। भूख कम लगना, फूड ड्रॉप भी था इसको जी। पैरों में कमजोरी, पंजों में, और एनेमिक भी है कि मतलब खून बनता नहीं प्रॉपर इसका जी गुरुदेव। और यूरेथ्रा में इसके आगे पेशाब के स्थान पे स्वेलिंग इसको रहती थी आगे जी, जी। और यूरेथ्रा में आगे मांस बढ़ रहा है इसका, आपने ध्यान दिया? नहीं गुरुदेव। ध्यान देना, देखो दरबार बता रहा है आपको जी, जी गुरुदेव। उसी से इसको जो है जो सूजन के कारण पेशाब इसको ठीक से नहीं होती है जी, जी, जी। ठीक है, अभी दरबार ने उतना ठीक किया है अभी आगे जी, गुरुदेव। आँखें इसकी कमजोर हो रही थी जी, आँखों में इसकी वीकनेस आ रही थी जी, और ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे जी, जो सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा जी, गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, लेपन करना है कितने कितने दिन करना है गुरुदेव? 6 months बेटा, 6 months इसको भी और मेरे को, बिल्कुल करना है, खुश हो। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद आपका, आपका कोटि कोटि प्रणाम, हम सबको स्वस्थ करने के लिए।